वेलकम कार्स हो गए भाई। महिंद्रा ने ईवी सेगमेंट का गेम पलट कर रख दिया है अपने दो नई ईवी एसयूवी को लॉन्च करके, एक XEV 9E और एक BE 6E। पूरे इंटरनेट पर फिलहाल यही दो गाड़ियां चल रही है, लेकिन आज हम सिर्फ एक ही गाड़ी की बात करेंगे, प्रॉपर BE 6E पर ही फोकस करेंगे। भले ही दूसरे वाली का साइज बड़ा है, फीचर्स ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, लेकिन लुक्स वाइज पता नहीं भाई, पर मुझे BE 6E ज्यादा बढ़िया लग रही है इन दोनों में से। तो इसीलिए XEV 9E की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल फोकस करते हैं BE 6E पर। और भाई इस गे को महिंद्र थोड़ा निकल जाता है फ्लो में। तो हाँ, इस गाड़ी को महिंद्र ने इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, मतलब ड्रिफ्ट मरवाई जा रही है इवेंट पर ही, बिना ड्राइवर के गाड़ी पार्क कराई जा रही है, इससे ट्रक टो करवा कर दिखाया जा रहा है, जो कि नया नहीं है, टाटा ने भी 2017 में टो करवाया था। ट्रक नहीं, एरोप्लेन। महिंद्रा BE 6E का प्राइस रिवील हो चुका है, जो है 18.9 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया का, जो कि इसके बेसिस पैक का प्राइस है। हायर वेरिएंट्स के प्राइस बाद में रिवील होंगे। तो इसका बेस ट्रिम आपको लगभग 19.5-20 लाख के लगभग कॉस्ट करेगा, बिकॉज EVs पर चार्जेस और टैक्सेस वगैरह कम होते हैं एज कम्पेयर टू ICE कार्स के। गवर्नमेंट तो बस पेट्रोल डीजल के पीछे पड़ी है, कैसे भी करके बंद करवा दो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। एनीवेज, तो भाई एक ईवी के पर्सपेक्टिव से देखें तो 19-20 लाख में BE 6E एक काफी तगड़ा पैकेज है, जिसमें हमको 70-80 लाख रुपए वाली गाड़ी के फीचर्स मिलते हैं, जिनकी हम आगे बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के पावर स्पेसिफिकेशंस, रेंज और चार्जिंग वगैरह के बारे में। तो क्योंकि ये शिट, माफ करना मैं जो इलेक्ट्रिक कार है तो इंजन वगैरह तो ऑब्वियसली हमको नहीं मिलता, लेकिन उसके बदले दो बैटरी पैक्स के ऑप्शन मिलते हैं, एक 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और दूसरा 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिसका पूरा स्ट्रक्चर महिंद्रा के नए बॉर्न ईवी इंग्लो या फिर INGLO प्लेटफॉर्म पर बना है, जिसको महिंद्रा ने BYD से सोर्स किया है। अपनी 59 किलोवाट आवर बैटरी और मोटर के साथ ये गाड़ी हमको 228 हॉर्स पावर निकाल कर देती है, जो कि काफी बढ़िया है। और जो इसका 79 किलोवाट आवर वाला स्पेक है, उसमें तो हमको लिटरली 281 हॉर्स पावर मिलती है। पावर के मामले में तो भाई कमाल ही कर दिया महिंद्रा ने। इसको टाटा कर्व ईवी से कंपेयर करें, जो कि इसी प्राइस पॉइंट पर आती है, तो उसमें हमको मैक्सिमम 165 हॉर्स पावर तक ही मिलती है, लेकिन इसमें 281 हॉर्स पावर, क्रेजी। महिंद्रा के अकॉर्डिंग BE 6E अपने 281 हॉर्स पावर के साथ 0-100 की स्प्रिंट को सिर्फ 6.7 सेकंड्स में कर सकती है, जो कि अगेन बहुत फास्ट है। वोल्वो की इलेक्ट्रिक EX40, जो कि 60-65 लाख रुपए की गाड़ी है, वो भी 7.3 सेकंड लेती है, और भाई ये 6.7 सेकंड, एंड उसमें भी सोने पर सुहागे वाली बात है रियर व्हील ड्राइव। यस, BE 6E रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो आप मस्त इसमें ड्रिफ्ट भी मार सकते हो। बात करें गाड़ी की रेंज के बारे में, तो महिंद्रा के अकॉर्डिंग BE 6E 59 किलोवाट आवर बैटरी के साथ 535 किलोमीटर की रेंज देगी, और बड़ी 79 किलोवाट आवर बैटरी के साथ 682। हालांकि सबको पता है कि रियल लाइफ में इतनी रेंज नहीं मिलेगी, लेकिन स्टिल भाई बहुत तगड़ी रेंज है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और क्योंकि ये ईवी है तो चार्जिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो ये गाड़ी 175 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर सपोर्ट करती है, जिससे गाड़ी 20 मिनट में 20-80% तक चार्ज हो सकती है, जो कि ऑब्वियसली आपको चार्जिंग स्टेशन वगैरह पर ही मिलेगा। जो स्टैंडर्ड चार्जर इस गाड़ी के साथ मिलेगा वो है 11.2 किलोवाट का और एक 7.3 किलोवाट का AC चार्जर, जिससे गाड़ी 8-10 घंटे आराम से लेगी चार्ज होने में, मतलब स्टैंडर्ड चार्जर से तो वही नॉर्मल ही होगा काम। अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजीज और फीचर्स की, जिसमें महिंद्रा नेल्ड इट। सबसे पहले इंटीरियर में हेलोलाइट ट्रिम मिलती है, जो कि ड्राइवर के अराउंड जाती है और चलाने वाले को प्रॉपर कॉकपिट वाला फील देती है, जिसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी है, जो कि बहुत मस्त लगती है देखने में। फिर इस कॉकपिट में जैसे ही ड्राइवर बैठेगा तो उसका सबसे पहला ध्यान जाएगा इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील पर, जो कि टाटा की कार्स में भी आपने देखा होगा। उसके बाद फ्रंट में डुअल स्क्रीन मिलती है, एक में आप निंजा हथौड़ी देख सकते हो और दूसरे में कुछ मत देखना वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें गाड़ी की ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी। और इस सिस्टम में 24 GB रैम, मेरे फोन से भी ज्यादा, और 128 GB स्टोरेज है, एंड इस सिस्टम में लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8295 प्रोसेसर। भाई क्या गाड़ी बनानी थी या फोन? उसके बाद इसका गियर नॉब तो आपको एयरक्राफ्ट वाली फील ही दे देगा। BE 6E में इन कार कैमरा मिलता है खास ब्लॉगर्स के लिए। इसकी जो पैनोरामिक सनरूफ है उसमें मल्टी कलर लाइटिंग पैटर्न्स मिलते हैं, जो कि काफी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। फिर हार्मन कार्डन के 16 स्पीकर का सेट मिलता है विद डॉल्बी एटमोस सिस्टम, लेवल 2 ADAS है, ऑटोमेटिक पार्किंग मिलती है, 360 डिग्री कैमरा है, मेमोरी सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल,
भाई बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भर दिए यार इसमें। होप सो ये सारे बढ़िया काम करे, कहीं पता चले रोज रोज नई बत्ती जल रही गाड़ी में। बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की, तो भाई काफी ज्यादा ऐसे फ्यूचरिस्टिक से लुक्स है, मुझे भी पर्सनली काफी बढ़िया लगी। इनफैक्ट XEV 90 से भी बेटर लुक्स, जिसमें फ्रंट में ऐसे सी शेप LED DRLs मिलती है, सेम पीछे भी टेल लाइट में सी शेप DRLs है, एस्टन मार्टिन TVX के जैसा स्पॉइलर मिलता है भाई, स्पोर्टी डिफ्यूजर, XUV 7W की तरह फ्लश डोर हैंडल्स, 19 इंचेस के एयर ऑप्टिमाइज्ड व्हील्स, 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 455 लीटर का बूट स्पेस, इनफैक्ट फ्रंट में भी फ्रंट की स्पेस मिलता है 45 लीटर का एडिशनल। वेरी नाइस। तो नॉर्मल कार्स को साइड रखकर एज ए प्रॉपर EV के परस्पेक्टिव से देखें तो लुक्स, फीचर्स, पावर, रेंज हर चीज में बढ़िया है भाई गाड़ी। एंड फुल प्राइस लिस्ट इसकी जल्द ही आएगी एंड डिलीवरी इसकी प्रोबेबली 2025 के फरवरी या मार्च से स्टार्ट हो जाएगी।